नमस्कार दोस्तों, SPL STUDY में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ होम साइंस सब्जेक्ट में बाल विकास, जो आपका चैप्टर इसमें चल रहा है आपका, कि गर्भकालीन की कितनी अवस्थाएं हैं, गर्भ में कितने बच्चे का निर्माण कैसे होता है, गर्भ से कैसे बच्चे जो है बॉर्न होते हैं, पैदा होते हैं। आज मैं आपके लेकर के आई हूँ कि एबॉर्शन कितने प्रकार से होते हैं, क्या होता है एबॉर्शन। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, हमने लिखा है यहाँ पर एबॉर्शन एंड मिस कैरेज, इसका मतलब क्या होता है। एबॉर्शन का मतलब होता है जिसको हम गर्भपात कहते हैं, और मिस कैरेज का मतलब होता है जिसको हम कहते हैं विफल प्रयास। तो ये दोस्तों जो ये होता है मोस्टली 24 से 28 वीक, यानी कह सकते हैं हम लगभग 6 महीने तक के में जो बच्चे अबॉर्ट किए जाते हैं उन्हीं को, यानी उस इन्हीं के दौरान में बच्चों का अबॉर्ट किया जाता है जो यूट्रस में रहते हैं। अब देखते हैं दूसरा हमारा है मिसकैरेज। मिसकैरेज ये एक स्वाभाविक क्रिया होती है। स्वाभाविक का मतलब कि जब ये यूट्रस में जो बच्चा होता है वो क्या होता है, कभी किसी कारण बस क्या होता है, ऑटोमेटिक स्वतः ही अबॉर्ट हो जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं मिसकैरेज। क्या कहते हैं मिसकैरेज, और जो कृत्रिम रूप से कराया जाता है उसको हम कहते हैं एबॉर्शन। अब चलते हैं इसका क्या कारण है, किस वजह से एबॉर्शन हो जाता है। तो इसमें मैंने कई कारण इसमें लिखा है जिसकी वजह से बच्चे एबॉर्ट हो जाते हैं। इसमें है पहला गर्भाशय में ट्यूमर होना, यानी ट्यूमर का मतलब होता है गांठ हो जाना। तो गर्भाशय यानी जो बच्चेदानी होती है जिसमें क्या होता है गांठ बन जाती है, जिसकी वजह से बच्चा रुकता नहीं हो एबॉर्ट हो जाता है। दूसरा है रक्त की कमी, यदि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसके अंदर खून की कमी होती है तो भी एबॉर्ट बच्चे हो जाते हैं। नेक्स्ट है संवेगात्मक आघात। संवेगात्मक आघात का मतलब होता है जब कभी कभी कोई मानसिक असंतुलन होता है, मानसिक चिंता होती है, जिसकी वजह से एबॉर्ट का एक कारण होता है। नेक्स्ट हमारा है विटामिन ई और फोलिक एसिड। दोस्तों जो विटामिन ई होता है इस विटामिन को एंटी फर्टिलिटी के नाम से जानते हैं। क्या है एंटी फर्टिलिटी के नाम से जाना जाता है, क्यों, क्योंकि यही होता है जो फर्टिलिटी का मतलब बांझपन को रोकने के लिए, यानी ये विटामिन यदि खाएंगे तो बच्चे के निर्माण के लिए या बच्चे के विकास के लिए उत्तरदायी होता है। यदि हमारे अंदर कमी होती है जो प्रेग्नेंट लेडी होती है तो उसके अंदर जो है बच्चे का पूर्ण विकास नहीं हो सकता है तो वो एबॉर्ट हो सकता है। नेक्स्ट है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड भी एक हमारे आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। यदि फोलिक एसिड नहीं लेंगे यानी आयरन नहीं दिया जाएगा तभी बच्चे का निर्माण नहीं हो सकता है, जो एबॉर्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है श्वास संबंधी, यानी गले संबंधी, फेफड़े संबंधी या हमारे जो श्वास प्रश्वास की क्रिया होती है उसमें कमी होने की वजह से भी जो है एबॉर्ट होने की संभावना होती है। नेक्स्ट है भ्रूण का विकृत होना, यानी जो जो बेबी होता है यदि वो अंदर उसकी कमी होती है, यानी हाथ ना होना, पैर ना होना, सिर ना होना, या जो अंग है उसमें विकृति हो जाने की वजह से एबॉर्ट करा दिया जाता है या कर दिया जाता है। तो ये होते हैं इतने कारण जिसकी वजह से एबॉर्शन कराया जाता है। अब चलते हैं कितने प्रकार से एबॉर्शन होते हैं, जो डॉक्टर की सलाह पर कराए जाते हैं उसे हम कैसे समझते हैं। तो चलते हैं, ये हमने लिखा है एबॉर्शन के टाइप्स कितने होते हैं। तो पहला हमारा इसको लिखा हमने थ्री टेंड। क्या है थ्री टेंड एबॉर्शन, इसको हम क्या बोलते हैं संभाव्य गर्भपात। ये क्या होता है, इसमें ये लगभग 24 से 28 सप्ताह के बीच में होता है। 24 से 28 सप्ताह के बीच में ये कराया जाता है। ये मुख्य रूप से जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसके जो वेजाइना के पार्ट होते हैं, जो वेजाइना में जो योनि मार्ग होते हैं वहां से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, और ब्लीडिंग होने के साथ साथ पेड़ों के नीचे यानी पेट के नीचे भाग में जो होता है दर्द होता है, यानी ब्लीडिंग होती है साथ में दर्द होता है, तो उस समय जो है डॉक्टर की सलाह से उसको एबॉर्ट करा दिया जाता है बच्चे को, नहीं तो जच्चे और बच्चे दोनों की संभावनाएं होती है, दोनों के मतलब खतरे की संभावनाएं होती है। और इसमें यदि डॉक्टर की सलाह ली जाए तो इसमें इस अवस्था में बच्चे को बचाया जा सकता है,
तो इसमें डॉक्टर की पूरी सलाह लेनी चाहिए और उसको जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको पूरा आराम देना चाहिए, तब इसमें कुछ अवस्था तक बच्चे को बचाया जा सकता है। दूसरा हमारा है कंप्लीट एबॉर्शन। क्या होता है कंप्लीट एबॉर्शन? इसमें क्या होता है कि जब पूरी तरीके से बच्चे होते हैं उसका जो एम्नियोटिक फ्लूइड होता है, प्लेसेंटा होता है, यानी हर चीज जो शरीर से बाहर निकल जाता है और कुछ समय के बाद एक सामान्य स्थिति में आ जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं कंप्लीट एबॉर्शन। क्या कहते हैं कंप्लीट, यानी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, स्वतः ही सारी चीजें निकल जाती हैं, इसको हम क्या बोलते हैं कंप्लीट गर्भपात। नेक्स्ट है हमारा मिस्ड। मिस्ड क्या होता है? जब किसी कारण बस किसी खून की कमी या आपके विटामिन ई या विटामिन आपके फोलिक एसिड की कमी, यानी कोई भी चीज की हमारे अंदर कमी हो जाती है किसी भी कारण से, यदि वो लेडी प्रेग्नेंट होती है तो वो स्वतः ही वो जो है अपने आप ऑटोमेटिक ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, दर्द होने लगता है, तो ये क्या होता है यानी वो बच्चा स्वतः ही खराब हो जाता है, तो इसी को हम एक तरीके से कह सकते हैं मिसकैरेज होना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं मिस्ड एबॉर्शन। क्या कहते हैं मिस्ड एबॉर्शन, जो स्वतः ही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा हैबिचुअल। हैबिचुअल क्या होते हैं? हैबिचुअल जैसे आदत, आदत का मतलब होता है कि जब ऐसी जो लेडी होती है जिनके अंदर कमी परमानेंट कमी होती है, तो उनके अंदर वो लेडी प्रेग्नेंट होती है तो ऑटोमेटिक एक महीने दो महीने तीन महीने के बाद वो क्या होता है स्वतः ही वो बच्चा जो होता है अपने आप शरीर से बाहर निकल जाता है या ब्रीडिंग शुरू हो जाती है या दर्द शुरू हो जाता है, यानी जो ऑटोमेटिक जो बच्चे घर में रुकते ही नहीं है, तो इनको हम क्या बोलते हैं हैबिचुअल एबॉर्शन। दोस्तों ये जो हैबिचुअल होता है मोस्टली प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी से होता है। मोस्टली प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है जो स्त्रियों में गर्भावस्था के लिए जिम्मेदार होता है, इसी की वजह से पूरा जो है गर्भाधान की क्रिया संपन्न होती है और 9 महीने तक चलती है, तो ये जो होती है इसकी कमी यदि पाई जाती है लेडी में तो वो जो है एबॉर्शन हो जाता है। और यदि कभी कभी क्या होता है इसकी जो झिल्ली होती है वो काफी नीचे की तरफ होती है यूट्रस की, तो उसकी वजह से जब मतलब ये प्रेग्नेंट होती है तो थोड़ी महीनों के बाद अपने आप स्वतः ही बाहर निकल जाते हैं, तो इसके लिए डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए जिससे उसको सही इलाज हो करके उसको बच्चे को बचाया जा सके। नेक्स्ट हमारा है इंड्यूस्ड एबॉर्शन। क्या होता है इंड्यूस्ड को हम बोलते हैं प्रेरित। ये दोस्तों इसको हम क्रिमिनल भी कहते हैं। क्या कहते हैं क्रिमिनल एबॉर्शन। क्रिमिनल का मतलब जो गैर कानूनी होता है, जो एक अपराध माना जाता है, जो एबॉर्शन कराया जाता है, इसी को हम इंड्यूस्ड कहते हैं। अब इसको जो है अपराधी नहीं माना जाता है बल्कि इसके लिए कराना मस्ट होता है, तो पहले लेकिन इसको इंड्यूस्ड को हम क्रिमिनल एबॉर्शन कहते हैं। अब आइए नेक्स्ट है हमारा थेरापिटिक। दोस्तों जो थेरापिटिक जो एबॉर्शन होता है ये मोस्टली चिकित्सक यानी डॉक्टर की सलाह से कराया जाता है, डॉक्टर की देखरेख में होता है और डॉक्टर के जो बताते हैं जैसे कभी लेडी के अंदर खून की कमी, गुर्दे में कोई खराबी आ जाना, फेफड़े में कोई कमी आ जाना, यानी कोई भी शरीर के अंदर कमी आ जाने की वजह से डॉक्टर उसको कहते हैं कि इस बच्चे को अबॉर्ट करा दिया जाए, नहीं तो जच्चे और बच्चे दोनों के लिए खतरे होते हैं, यानी बच्चे माँ को ज्यादा खतरा होगा, तो ये डॉक्टर की सलाह से डॉक्टर की कह के वजह से ये एबॉर्शन कराया जाता है। ये हमने आपको बताया कितने प्रकार से एबॉर्शन होते हैं, क्या इसके कारण है, कब इसको कराया जाता है। दोस्तों ये डॉक्टर की सलाह से लिया जाए तो हमारे अंदर कोई कमी नहीं होगी और हम सही चीजों को समझ करके उसको क्रिया कर सकते हैं। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक करिए और दोस्तों के बीच में शेयर किए और हमें कमेंट में लिख के बताइए मेरी वीडियो आपको कैसे लग रही है, कमेंट में हमें जरूर बताइए क्योंकि आपके कमेंट से हमें और ही प्रोत्साहन मिलता है। नमस्कार दोस्तों।